मैं आज Realme 9 SE का 3 मंथ यूज रिव्यू देने वाला हूँ। तो गाइस मैंने इस फोन को 3 महीने तक लगातार एक्सट्रीम लेवल तक यूज किया है और मैंने इस फोन को 3 मंथ तक सब कुछ ट्राई किया है। इसमें वीडियो एडिटिंग किया है मैंने, पबजी खेला है, फ्री फायर खेला है, सब कुछ खेला है। तो गाइस मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि ये फोन कैसा चलता है, 3 मंथ बाद इसका क्या कंडीशन है, इसमें क्या प्रॉब्लम आए, क्या अच्छाइयां है, क्या बुराइयां है, सब कुछ मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ। ताकि गाइस अगर आप ये फोन खरीदना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख के आपको कुछ हेल्प मिल जाए कि आप इस फोन को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को इस फोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इसके हेल्प से आप पबजी एक्सट्रीम ग्राफिक में प्ले कर सकते हैं और इसमें आप 90 FPS पे खेल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस जो सेकंड फीचर है वो इसमें 5000 mAh का मैसिव बैटरी दे रखा है इसमें, ठीक है। और गाइस इसका जो थर्ड फीचर है वो है 144 Hz का फ्रीक्वेंसी रेट है, मतलब रिफ्रेशिंग रेट है। ये बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही स्मूथ मक्खन की तरह आपका फोन चलेगा। और गाइस इसके साथ साथ इसमें 30 वाट का चार्जर दे रखा है जो कि फास्ट चार्जिंग है, 1 से 1.5 घंटे में आपका फोन ये फुल्ली चार्ज कर देगा, ठीक है। तो गाइस इस फोन को 3 मंथ यूज करने के बाद इस फोन में मुझे क्या अच्छाइयां दिखी और क्या बुराइयां दिखी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले इस फोन में क्या अच्छाइयां है ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जो सबसे पहला इसकी जो अच्छी बात है वो है कि इस फोन का लुक काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो काफी प्रीमियम लुक है। इस रेंज में इस टाइप का लुक काफी कम ही फोन में दिखता है। और गाइस सेकेंड फीचर की बात करें जो कि काफी अच्छी बात है इसमें, कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778 5G प्रोसेसर मिल जाता है जिसके हेल्प से आप कोई सा भी गेम जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, आप एक्सट्रीम लेवल पे खेल सकते हैं। इसमें तो गाइस पबजी 90 और 60 FPS पे चलता है, अपडेट आएगा तो 90 FPS पे भी रन करने लगेगा, ठीक है। और गाइस थर्ड फीचर की बात करें तो इसमें आपको जो रिफ्रेशिंग रेट है काफी अच्छा रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है, 144 Hz का रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। और गाइस जो फोर्थ फीचर की बात करें तो कैमरा, गाइस इसमें कैमरा काफी अच्छा कैमरा है। इसके हेल्प से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें डेप्थ सेंसर भी है, ऑटो ब्लर भी है, काफी अच्छा कैमरा इसका। तो गाइस इस फोन के बारे में ये सारे अच्छाइयां थी, अब मैं आपको इस फोन के बारे में जो कमियां हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस इस फोन को 3 मंथ यूज करने के बाद इस फोन में मुझे जो कमियां दिखी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस जो सबसे पहली कमी थी कि गाइस ये जो फोन है वो ओवर हीटिंग होता है। जब इसमें आप लॉन्ग टाइम तक गेम प्ले कर लेंगे, पबजी या फ्री फायर 4-5 घंटे या 2-3 घंटे खेल लेंगे तो ये फोन ओवर हीटिंग होने लगता है, ये साइड साइड से हीट होने लगता है और हीट होने की वजह से इस फोन में बैटरी ड्रेन फास्ट होता है, ठीक है। तो गाइस ये पहली कमी थी। जो सेकेंड कमी थी कि गाइस इसका जो कैमरा है, इसका जो सेल्फी वाला कैमरा है वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इसको होना चाहिए था, इसमें उतना अच्छा सेल्फी नहीं आता है, ठीक है। तो गाइस बस यही 2 प्रॉब्लम थी जो कि मुझे इस फोन में दिखी 3 मंथ यूज करने के बाद, ठीक है। और गाइस बाकी तो गाइस इसमें सब कुछ अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा फोन है, इस फोन को आप खरीद सकते हैं।